जी, मैं ज़ेबा जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। वो लगातार इस बात को सुन रही थी। ज़ेबा जी, 6 दिसंबर का जो ट्वीट है सऊदी अरब का, ये संगठन भटका हुआ आतंक के गेट में से एक है। चाहे ये ग्रुप कुछ भी दावा क्यों ना करे, मस्जिदों में उनकी बड़ी गलतियों का जिक्र किया जाए और समाज को सावधान रहने की नसीहत दी जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वहां पर जो ट्वीट्स जो हुए हैं, जो मस्जिदों में आगे फर्दर ट्वीट्स हुए हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखे थे। उन ट्वीट्स को भी अगर आप देख लेंगी तो उसमें सीधा सीधा जो लिखा गया है उसमें किस तरह की बातें जो हैं यहाँ पर की गई हैं तबलीगी जमात को लेकर, कि ये जमात मूल रूप से हिंद से है, तबलीगी जमात इस्लाम के पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ चलती है, ये जमात बिना ज्ञान के दावत के लिए निकलती है, ये अल्लाह और इस्लाम के पैगंबर के तरीकों के खिलाफ है। तो किस हकूक से, किस कारण इस जमात को एक्नॉलेज किया जाए और इसको बैन ना किया जाए? देखिए, मैं तो तबलीगी जमात के बारे में ये जानती हूँ कि ये लोग बहुत सिंपल लोग होते हैं। इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, सिर्फ इसके बारे में लोगों को बताते हैं जाकर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत सिंपल लोग हैं, इनसे ज्यादा सिंपल मुसलमान मैंने नहीं देखा। अगर एक सेकंड रुकूंगी, ये इतने सिंपल हैं कि स्पेन के 2008 के ब्लास्ट में 12 आतंकी जमात से जुड़े हुए निकले। अगर लंदन में जो ट्यूब में ब्लास्ट हुआ था उसके जो आतंकी थे वो जमात से जुड़े हुए निकले। ये इतने सिंपल और मासूम है, इन्हें कुछ नहीं पता, भोले हैं ये। और जर्मनी में टेरर थ्रेट लिस्ट में इनके ग्रुप का नाम आता है, नीदरलैंड के अंदर भी इन्हीं का नाम आता है। विकीलीक्स ने कहा कि 2011 में अलकायदा के आतंकी मूवमेंट के छिपने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के लिए जमात के लोग होते हैं। तो इतने मासूम है क्या? जी, क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे एक सेकंड के लिए मैंने आपको डिटेल्स दी थोड़ी, शायद आपको इनकी मासूमियत के बारे में और फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएं। नहीं, मैं सुन रही हूँ तब से। मैं सब सुनने के बाद जवाब दे रही हूँ कि मैं ऐसे कोई भी तबलीगी जमात को नहीं जानती जिनका इस तरह का ताल्लुक। वो लोग बहुत सिंपल लोग होते हैं, कहिए तो मुसलमान में सबसे ज्यादा या तो वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, और दुनियादारी तो इनमें होती ही नहीं है, पॉलिटिक्स तो होता ही नहीं है, कोई भी हिंसा की ये बात नहीं करते हैं। और जो रिपोर्ट की बात है तो हम जानते हैं कि रिपोर्ट बहुत सारे बायस्ड आते हैं, गलत रिपोर्टिंग भी होती है इस तरह के। ये इस्लाम के देशों में ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले इतने प्यारे मासूम 5 वक्त के नमाजी रोजेदारों को बैन कर दिया जाता है ना, है ना? इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने 5 वक्त के नमाजी इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया में, सऊदी अरब में बैन कर दिया जाता है। उन्हें इनका इस्लाम नहीं दिखता, उन्हें इनकी इस्लाम के प्रति मोहब्बत नहीं दिखती, आस्था नहीं दिखती। सऊदी अरब का नेतृत्व नहीं करता है, मुसलमानों अच्छा। का नेतृत्व हमारा कुरान करता है, जो पैगंबर साहब जो रास्ता दिखा के गए हैं। भाई तो पूछ रही हूँ कि अगर एक तबलीगी जमात ज़ेबा साहब इतनी अच्छी है, 5 वक्त की नमाजी है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अल्लाह को याद करती है, पैगंबर साहब को याद करती है, उनके दिखाए रास्ते पर चलती है, न राजनीति से मतलब, न हिंसा से मतलब, तो इतने मासूम लोगों को, इतनी मासूम और अच्छा काम करने वाली जमात को मुस्लिम मुल्क ही क्यों बैन करते हैं, यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। भाई उन्हें तो खुश होना चाहिए ना, इस्लाम का प्रसार प्रसार कर रहे हैं। हो सकता है किसी के दबाव में कर रहे हैं, हो सकता है अच्छा, अमेरिका अच्छा। के दबाव में कर रहे हैं। अच्छा, रशिया क्यों करेगा अगर अमेरिका के दबाव में करेगा तो? पॉलिटिकल इश्यूज है मैडम, मैडम मैं एक बात ये आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि 2020 के अप्रैल में भी इसी तरह तबलीगी जमात के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, जो बाद में एक एक करके ये क्लियर हो गया कि सारे गलत थे। और वही तबलीगी जमात जिसे कोरोना फैलाने अच्छा। के लिए जिम्मेदार माना गया, ठीक होते अपना प्लाज्मा डोनेट किए देशवासियों के लिए। बराबर नहीं होती, लेकिन तबलीगी जमात जो है उस वक्त भी जो काम किया था मौलाना साहब, मैं छोटा सा सवाल कर सकता हूं बिना जिनसे इतने दिन तक किसी ने उन्हें इतने पाक साफ थे तो इतने मासूम और भोले थे तो सामने आते। बहरहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ज़ेबा साहब कह रही है इतने मासूम है, इतने भोले और इतने इस्लाम को मानने वाले हैं, तो भाई इस्लामिक कंट्रीज जो है वही तबलीगी जमात को क्यों बैन कर रही है?